दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय एक बात ट्रेंड हो रही है कि भाई मुनव्वर की जनता, मुनव्वर के फैंस और मुनव्वर के जो वॉरियर्स हैं वो कोई भी बात भूलते नहीं हैं। और जिस चीज़ की बात आज सोशल मीडिया पर हो रही है, मुनव्वर ने एक बात जो कि भाई आज से कुछ सालों पहले कही थी, आज उसी बात पर सोशल मीडिया पर दबदबा या फिर यूँ कह लीजिए कि हैंग वाला बात, हैंग वाला टर्म यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे चैनल फीफा फूज पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी जब से लॉकअप जीते, उसके बाद बाहर आए, तब भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे उनके शोज़ कैंसिल हुए और बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन के साथ होती तो वो शायद टूट जाता। और उसके बाद बोलते हैं ना कि दोबारा खड़े होने में बहुत वक्त लेता। लेकिन बात अगर मुनव्वर की करूं तो वो कहते हैं ना कि जब खुदा आपसे, भगवान आपसे बहुत सारी चीज़ें लेता है तो उसके बदले में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे देता है कि आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि यार इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। फिलहाल अगर आपको बताऊँ तो आज वही दिन है, आज ही के दिन 2 साल पहले मुनव्वर ने लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी उठाई थी। और वहीं पर एक बात, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना पॉइंट रख रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए और जो भी लोग उनको पसंद करते हैं उन सभी लोगों के लिए। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मुनव्वर उसमें क्या कह रहे हैं। मैं ये आप देख सकते हो, पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो कैमरे के पीछे जो जनता है ना उसके लिए अपन इधर आए, तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हूँ और उन्हीं के लिए जो कुछ भी करता हूँ। मैं हर वीडियो के पीछे बोलता हूँ एंटरटेनमेंट आता रहेगा, मैं कुछ भी करता रहूंगा, कंटेंट देता रहूंगा। क्योंकि जब मैं अपना काम डालता था ना तो लोग कॉमेंट करते थे कि इस वीडियो को ट्रेंड में लेके आते, लोग उस वीडियो को शेयर करते थे। मैं हमेशा सोचता था कि मुझको क्या मिलता है, लोग इतना आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत खुश होता था, सबको रिप्लाई करता था, कमेंट करता था एक टाइम में कि जब कम लोग फॉलो करते थे। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, मैं उनको रिप्लाई कम करने लगा, बट फिर भी लोग मुझे बोलते कि भाई आपने मेरे को रिप्लाई किया था ये वो, तो मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ। बट मैं थैंक यू को ऐसी लफ्जों में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसका बदला मैं चुका सकूं कि तुम लोग जो भी करते हो मेरे लिए, या ये लॉकअप की जो भी ऑडियंस है जो लॉकअप शो देखती है या हमें पसंद करती है, हमारे लिए वोट करती है, हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे लिए इंटरनेट पे लड़ते हैं, हमें डिफेंड करते हैं हमारी सही जगह पे, हमारी गलत जगहों पे, हमारे लिए गालियां सुनते भाई लोग, तो मैं कोई थैंक यू बोल के तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो था और इसके बाद इसको शेयर करते हुए किसने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन शेर, आज ही के दिन तुमने वो इतिहास रचा था जो कि तुम्हारे बाद शायद ही कोई उस लेवल पर इस शो को ले जा पाएगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, वीडियो आपने देखा उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।